कहाँ से आई हो मेरी माँ? मैं कलकत्ता वेस्ट बंगाल से आई हूँ। तो आप के घर में कौन कौन है? बस एक ही बेटा है, एक बहू है, एक पोती है। तो एक बेटा है, फिर बेटा के होते हुए यहाँ क्यों आना पड़ा? क्या करो, बेटा को भी जिंदगी, मेरा को भी जिंदगी, बहू ने एकदम नरक बना दिया प्रभु जी। तो आपको यहाँ छोड़ने कौन आया है? छोड़ने तो मैं तो पहले एक हफ्ते पहले मैं आई थी, फिर आप लोग का आदेश के अनुसार बेटा को भी जाके बोला जी देखो चलो हमको वहाँ ठिकाना लगा दो, गुरु जी के चरण में बाकी दिन मेरा को बिताने दो, तुम जाओगी तो मेरा को रख लेंगे। तो बात कराओ बेटे से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौतम भट्टाचार्य जी है। तो आप गौतम जी हैं? हाँ जी। तो आप अपनी माँ को लेके वृद्धाश्रम क्यों लाए हैं, क्यों सेवा नहीं करते अपनी माँ की? मैं खुद एक हैंडीकैप बन गया हूँ। क्यों? मेरा पिछले 2 साल पहले हार्ट अटैक हुआ था, फिर उसमें 5-6 स्टेन बैठा है। अच्छा। मेरा पेट के अंदर 32 स्टिचेस है। ठीक है। मेरा स्पॉन्डिलाइटिस है, तो मैं आधा ही खुद बीमार हूँ, तो मैं अपने माँ का ख्याल नहीं रख पा रहा हूँ। मैं फिनेंशियली पत्नी कहाँ है आपकी? पत्नी मेरे साथ है, लेकिन पत्नी के साथ मेरा माँ का 36 का आंकड़ा हो गया है। तो माँ का और पत्नी का 36 आंकड़ा है, तो वृद्धाश्रम में अपनी पत्नी को लेकर आते कि तुम जाओ वृद्धाश्रम, हम तो माँ के साथ रहेंगे। जिस माँ ने आपको पाल पोस कर बड़ा किया, योग बनाया, तेल मालिश करी आपकी, आप उसे लेके वृद्धाश्रम आ गए। बीमारी आपने बताई, तो बीमार आप माँ के लिए हैं, पत्नी के लिए बीमार नहीं है? उसके लिए ही बीमार हो। तो फिर पत्नी को छोड़ने क्यों नहीं आए वृद्धाश्रम? उसको बोलते तू चल वृद्धाश्रम, हम तुझे छोड़ने चलते हैं। जब माँ की और पत्नी की नहीं बनती, तो आपके हिसाब से किसे छोड़ना चाहिए वृद्धाश्रम में? पत्नी को तो छोड़ना चाहिए फिर। अगर मैं मतलब फिजिकली स्ट्रांग एंड फिनेंशियली स्ट्रांग रहता तो मैं ये स्टेप ले सकता था, लेकिन मेरे पीछे ही एक और आदमी चाहिए, तो मैं माँ को तो कैसे? पत्नी तो है, पत्नी है जो पति को भी संभाल। यदि ऐसी स्थिति है कि चलो पत्नी आप कमजोर हैं, आपको बीमारी है, तो पत्नी अपने पति को भी संभाल सकती है और अपनी सास को भी संभाल सकती है, क्या दिक्कत है? क्या ये दास अनिरुद्ध 278 माओं को उसकी सेवा नहीं कर रहा है? यदि हम 278 माओं की सेवा कर सकते हैं, तो आप और आपकी पत्नी मिलकर आपकी एक माँ की सेवा तो कर सकते हैं ना? आपकी बेटा बेटी है आपके? एक बेटी है। तो एक बेटी भी है आपकी? हाँ जी। और बेटा नहीं है? तो बेटी है, तो बेटी का तो ख्याल रख ही रहे हैं ना, बीमारी में भी वो तो रखे हैं। तो फिर माँ का ख्याल रखने में क्या दिक्कत थी? कितनी जगह चाहिए माँ को घर में? आज अभी बोल रही थी कि बचपन में मैं तुमको हॉस्टल छोड़ने जाता था, आज उल्टा हो गया, आज बुढ़ापे में तुम मेरे को वृद्धाश्रम छोड़ने आ रहे हो। तो क्यों ऐसे दिन आए? आप जैसे बेटे यदि हिम्मत हार जाएंगे, देखो माँ, ये वही माँ तो है ना जिसने आपकी उंगली पकड़कर आपको चलना सिखाया, सब क्या पढ़ाया लिखाया, क्या नहीं करती माँ, क्या क्या नहीं करती, क्या क्या बताएं, कोई नहीं, किसी से छिपा नहीं है माँ का योगदान बच्चे के लिए। लेकिन आपका जब विवाह हुआ, शादी हुई, बच्चे हुए, तो आप माँ को लेकर, अरे आप पत्नी को समझा नहीं सकते प्यार से कि क्या जरूरत है? माँ का पत्नी से 36 का आंकड़ा है, तो पत्नी को समझाओ। 35 साल हो गया मेरा शादी हुआ है, 35 साल में एक ऐसा साल नहीं गया कि माँ के साथ मेरा अनबन नहीं करवाया या घर से, मतलब लास्ट में तो फेडअप होके मैंने छोड़ दिया कि भाई जो करना है करो। मेरे को पुलिस का धमकी दिखाता है कि मैं मतलब आपकी पत्नी को आपकी माँ बिल्कुल पसंद नहीं है? बिल्कुल नहीं, नहीं तो क्या प्रॉब्लम था? एक ही लड़का हूँ ना, कोई इसका देवर है, ननद है, कोई नहीं है, एक माँ ही मेरा है। अगर सास दो बर्तन रहेगा तो आवाज़ होगा, अगर सास कुछ बोल दिया तो। अब चलो देखो, यदि सारी पत्नियाँ ऐसी बोलने लग जाएं कि जी अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ कर आओ, तब तो पूरे भारत की व्यवस्था ही बिगड़ जाएगी। बिल्कुल, सनातन संस्कृति की तो पूरी व्यवस्था ही बिगड़ जाएगी। ये तो बहुत ही, मैं खुद इसको पाप मान रहा हूँ कि मैं अपने माँ को ऐसे जगह छोड़ के आ रहा हूँ। ड्यू टू माई मतलब मेरे वाइफ के वजह से मेरे को
ऐसे करने पड़े। तो आपकी वाइफ आई हैं? नहीं नहीं नहीं। तो उनको लाओ, कभी हम उनको भी समझाएंगे, कभी उनसे बात करेंगे। और मैं आप सबसे इनके माध्यम से बताऊं, हर स्त्री को मैं बताऊं, स्त्रियों को दुख देने वाली, स्त्रियों को सताने वाले पुरुष नहीं होते, स्त्रियों को दुख देने वाली स्त्रियां ही होती हैं। ये बात 99% सही है, 1% किसी केस में ऐसे नहीं मान सकते। वरना यदि स्त्री, इनकी बहू जो माँ आई हैं, इनकी बहू एक स्त्री हैं, और एक स्त्री और ये माँ भी एक स्त्री हैं, एक स्त्री ही दूसरी स्त्री का दर्द समझ सकती है। लेकिन नहीं, जिद पकड़ ली। देखो तो आपकी पत्नी ने जिद कर ली कि आप छोड़ के आओ, बोला कि तुम्हारा मम्मी का जो भी जिम्मेदारी तुम करोगे मैं करो, कुछ नहीं करने बोलना ना, मैं उनका मतलब कुछ करूंगा। तो आप कर लेते ना, आप माँ की जिम्मेदारी पूरी कर लो, आपको क्या दिक्कत है? पत्नी ना करे, पत्नी ना दे पानी, ना दे रोटी, आप करो ना। अगर वो आएगी मेरा को कुछ करेगी ना तो उसको ऊपर टॉर्चर करेगी, खाना नहीं देगी। अच्छा, ये आपकी सेवा करेंगे तो पत्नी इनको टॉर्चर करेगी? इसको टॉर्चर करेगी, और बोलता ज्यादा करेगी तो तुमको पुलिस में क्लब में जाके बताऊंगी जो तुम तुम्हारा माँ मिलके मेरा को टॉर्चर कर रहे हो, और पुलिस के जाके कंप्लेन करेंगे, जेल में माँ बेटा को जेल में भर देंगे। देख लो जरा, आजकल कानून भी ऐसे है कि स्त्रियों की सुनवाई ही होती है, वो कुछ कहेंगे तो ये माँ बेटे जेल चले जाएंगे, बोलती रहती। इसलिए कानून अंधा है। अब आप ही बताइए कि इस माँ को न्याय कौन देगा? ये कानून देगा, ये बेटा देगा, या इनकी बहू देगी, या समाज देगा? कोई नहीं देता, गुरु दीजिए आपके चरण में मेरा तो स्थान। हम तो मैया आपकी सेवा करने को तैयार हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम तो केवल अपने इस भाई को समझा रहे हैं कि तुम जो कर रहे हो, पत्नी को ही समझाओ। और मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है हर स्त्री से, आप ऐसी सिचुएशन, ऐसी स्थितियां पैदा ना करें कि एक पुरुष अपनी माँ को लेके वृद्धाश्रम छोड़ने आ जाए। चलो, ये पुरुष ये माँ को वृद्धाश्रम, बात कराओ भैया से, ये अपनी माँ को छोड़ने वृद्धाश्रम आए हैं। अब आप बताओ कि ये आपने पुण्य किया या पाप किया? पाप किए हैं। पाप किया, बिल्कुल। अब बताओ कि यदि ये पुरुष पापी हुआ तो इसको पापी बनाया किसने? इनकी, इनकी पत्नी ने। जबकि पत्नी पारक्षणे धातु से पत्नी बनती है। कहते हैं जो पत्नी अपने पति को पतन से बचाए, पाप से बचाए, उसका नाम पत्नी है। जिस पत्नी के कारण पाप करना पड़े, ऐसी पत्नी से भगवान बचाए, ऐसी पत्नी से भगवान बचाए। ऐसी पत्नियां होनी चाहिए जैसी आपकी हैं? चाहोगे? सात जन्म का वादा किया है? बिल्कुल नहीं। हाँ, बिल्कुल नहीं, सात जन्म का वादा नहीं किया। सात जन्म का वादा किया था, लेकिन ऐसा पत्नी एक जन्म में ही मेरे को हड्डियों में, मतलब क्या बोलते हैं, दुब्बो, हमारा बंगाली में बोलते हैं ये, जी दुब्बा उगा दिया। जी, तो सात जन्म में कभी भी मैं ऐसा वाइफ नहीं चाहूंगी। तो सात जन्म की कोटा उसने एक जन्म में पूरा करेगा, इसलिए ऐसी पत्नी किसी को ना मिले। ऐसी पत्नियां होनी चाहिए। आप लोग कितने लोग अपने अपने बेटों के लिए ऐसी पत्नियां चाहते हैं? चाहते हैं? नहीं चाहते तो आप भी ऐसी पत्नियां मत बनना। जितनी पत्नियां यहां बैठी हैं, आप भी तो किसी की पत्नी हैं, ऐसी पत्नी बिल्कुल मत बनना। बनना सही है क्यों? ऐसी पत्नी नहीं, भगवान कुंवारा ही रखे, साधु बन जाए अच्छा है। सारी जिंदगी बिना पत्नी के रहले पर ऐसी पत्नी भगवान दुश्मन को भी ना दे जैसी इन्हें मिली है। चलो, तो आप चाहते हैं कि आपकी माँ को यहाँ रखा जाए आपके चरणों में सर? हाँ हाँ, हम तो अपनी माँ की तरह सेवा करेंगे। यहाँ तो 278 माँ ऑलरेडी हैं। सुना है? है। आपने दर्शन किया माँ का? हाँ जी। कैसी व्यवस्था है यहाँ माँ की? बहुत अच्छी है। अच्छी लगी? आप आते रहिएगा अपनी माँ से मिलने के लिए। जरूर। हाँ, क्योंकि मेरा तो माँ के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, बीच में कोई था, माँ को मैं किसके पास रखता। तो पत्नी आपको भी परेशान करती है? बहुत। नहीं तो इस उम्र में मेरा 55 है, 2 साल पहले मेरा हार्ट अटैक हो गया है, मैं कोई मतलब
ऐप मेरे में कुछ नहीं है, मैं काम में जाता हूँ, काम करके। तो आपने कभी प्यार से अपनी पत्नी को समझाया नहीं कि भाग्यवान तुम क्या कर रहे? 35 साल में कितना बार समझाऊंगा? नहीं समझी, इसलिए तो आज ये दिन देखने पड़ा। हम आपकी पीड़ा को समझ सकते हैं, आपके कष्ट को, आपके दर्द को समझ सकते हैं, लेकिन हर स्त्री से मैं प्रार्थना करता हूँ कि इतना मत सताइए समाज में, इतना पति को प्रताड़ित मत कीजिए, अपनी सास को प्रताड़ित मत कीजिए। और कुछ कानून बनने भी चाहिए जो कम से कम इन माँ के पक्ष में कोई तो कानून हो। सारे कानून बहुओं के पक्ष में है, कोई कानून माँ के पक्ष में भी तो हो। बूढ़ी माँ बाप के पक्ष में कुछ तो होना चाहिए। मुझे कानून का कोई ज्ञान नहीं है, परंतु आपसे सबसे मेरी प्रार्थना है, अपनी अपनी माँ का पूरा पूरा ख्याल रखिएगा, ठीक है? मैया आप यहीं रहिएगा, ये बेटा आपका, एक बेटा वो है, एक बेटा ये दास अनिरुद्ध है। गौरी गोपाल आश्रम में आपका स्वागत है, ये दास अनिरुद्ध आपका बेटा बनकर अब आपकी आगे की सारी सेवाएं ये दास अनिरुद्ध करेगा। माइक दो मैया को। आपको चरण में कोटि कोटि प्रणाम मैया। आप तो हमारी माँ हो, आप तो हमें आशीर्वाद दो और आप सदा खुश रहो। हम आप कोशिश करेंगे कि आप यहाँ खुश रहें और प्रसन्न रहें। खुश रहेंगे, कैसे भी हो हम यहाँ खुश रहेंगे, यही खुशी रहे मिलेगा। मेरा संसार का मोह खत्म हो गया बहुत दिन से, बस अभी आप बाकी दिन आपके चरण में ही पड़े रहे, इसी में मेरा शांति है। बस आप खुश रहें, आप सबकी खुशी के लिए। देखिए ये गौरी गोपाल आश्रम 278 माताओं को गौरी गोपाल भगवान ने अपने हृदय से लगाया है। ये सारी ऐसी माताएं, बेसहारा माएँ, जब अपने साथ नहीं देते तो आप लोग जो सहयोग करते हैं उसी साथ से इन माओं की सेवा होती है। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि गौरी गोपाल आश्रम में जो सेवाएं चल रही हैं वो सराहनीय हैं या नहीं, आप ही बताइए। इन माओं की सेवा करना हमारा धर्म है या नहीं? अब ये माँ बेटे के यहाँ से आकर इस बेटे के पास आई तो इनकी सेवा करना हमारा धर्म है। आप सबसे प्रार्थना है, आप भी इन माओं की सेवा के लिए इन हाथों को जरूर बढ़ाइएगा। आप भी गौरी गोपाल आश्रम में चल रही सेवाओं के लिए माओं को आप भोजन की सेवा से जोड़िएगा। आप अपने आप को इन माओं के भोजन की सेवा, ये आश्रम में अब जगह नहीं है माताओं को रहने के लिए, इसलिए एक बड़ा आश्रम बनाना पड़ रहा है जहाँ 1000 वृद्ध माताएँ रहेंगी। मैं दिन रात केवल इस आश्रम के निर्माण की देखरेख करता रहता हूँ कि कहाँ तक काम पहुँचा, कैसे काम करना है। सुबह से शाम तक सपने में भी मुझे काम ही दिखता है कि किस तरह काम चल रहा, किस प्रकार माँओं की सेवा होगी। आप समझ सकते हैं ना, 1000 माँओं की व्यवस्था करना कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। तो आप चाहते हैं कि आप भी इन माँओं का दुख दर्द कम कर सकें, आंसू पहुँच सकें, तो इस आश्रम के निर्माण में आप भी जरा सा सहयोग कीजिएगा। एक ईंट का ही, एक बोरी सीमेंट का ही, एक रूम का ही, एक कमरे की छत का ही, जिस लायक ईश्वर ने बनाया, कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे ना तो अच्छा रहेगा। आपका ये भाई, आपका ये बेटा समाज की सेवा के लिए यदि खड़ा है तो आप सबका भी प्यार और आशीर्वाद मुझे चाहिए।